कैरवा डैम पर नहाने गए तीन छात्रों की डूबने से मौत हो गई। 11वीं कक्षा के चार दोस्त डैम पर नहाने के लिए उतरे थे, तभी एक छात्र डूबने लगा। उसे डूबता देख दो दोस्त भी बचाने उतरे, वह भी डूब गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों के शव बाहर निकाल ली और जांच शुरू कर दी। घटना के समय इनके साथ मौजूद ऋषि शुक्ला ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले शुभम अधिकारी पानी में नहाने के लिए उतरा, वह डूबने लगा। जिसे बचाने के लिए निशान जैन पानी में गया, वह भी डूबने लगा। तभी मोहित बचाने के लिए पानी में कूदा और देखते ही देखते तीनों दोस्त डूब गए। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसमें संबंधित विभाग से पुलिस समन्वय स्थापित कर उस स्थान पर इस प्रकार का प्रबंध किए जाने के लिए प्रयास करेगी, जिसमें व्यक्ति जो वहाँ पे जाता है उसको पानी से जो है गहरे स्थान पर उसकी सही जानकारी उसको मिल पाए। साथ ही ऐसा प्रबंध हो कि अनजाने भी व्यक्ति अगर पानी में प्रवेश करता है तो वहाँ पे फेंसिंग या कुछ इस प्रकार के साइन बोर्ड्स लगाए जाएं, जिससे सतर्कता बरती जा सके। तो इसमें पुलिस का प्रयास है कि संबंधित विभाग के साथ मिलकर ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे घटना न हो। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।